एवरीवन, वेलकम टू किचन अडोरा। आज की रेसिपी है मुंबई का फेवरेट स्ट्रीट फूड, दैट इज पाव भाजी, वो भी पूरी मुंबईया स्टाइल में। सो मुंबई की पाव भाजी, मुंबई में तो बहुत सारे डिशेस बनते हैं, वड़ा पाव, पाव भाजी, मसाला चस्का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत सिंपल बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। सो इसके इंग्रेडिएंट्स पे आपने नज़र डाल ली है, तो सबसे पहले हमें इसमें जितनी वेजिटेबल्स आपके साथ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। कॉलीफ्लावर, पोटैटो, कैरेट, बीन्स, इन सबको छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो इन सबको हमें कुकर में अपना प्रेशर डालने के लिए चढ़ा देना है, इसको गला लेना है। अब ग्रेवी के लिए हमें चाहिए ज़ीरा बारीक कटा हुआ, प्याज, मिर्चा, टमाटो, कैप्सिकम बारीक कटा मैंने इसमें डाला है, नमक स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर एंड कश्मीरी मिर्च। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें पड़ेगा, दैट इज़ पाव भाजी मसाला। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ एवरेस्ट का यूज़ किया है, एंड अमूल बटर फॉर अच्छे टेस्ट के लिए, ऑथेंटिक टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में तेल डाला, रिफाइंड ऑयल डाला है, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबल स्पून है। तो देखिए, जैसे हमारा तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले ज़ीरा डाला, ज़ीरा चटकने लगता है जल्दी जल्दी, जब चटकेगा तो इसमें और मसाला हम धीरे धीरे डाल के अपना भूनेंगे। तो जब ये हमारा ज़ीरा अच्छे से चटक गया है, सब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई अपनी प्याज और मिर्च जो है वो डालेंगे इसमें, और उसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, सिर्फ ट्रांसलूसेंट कलर तक हमें इसको फ्राई करना है, यानी एकदम लाइट पिंकिश कलर जब इसका आ जाएगा, बस इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सो देखिए, हमारा लाइट फ्राई हो गया हमारा ओनियन और मिर्च, और ओनियन बारीक कटा मैंने यूज़ किया है इसमें। फिर मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। सो देखिए, उसका थोड़ा हमारा कलर डार्क पे आ गया है, प्याज लाल हो गया है, तो मैंने टमाटोज भी डाल दिया, फाइनली चॉप टमाटोज, उसको अच्छा टैंगीपन टेस्ट देगा, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए टमाटो डाल दिया मैंने इसमें। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। कैप्सिकम को डिसीड करके यूज़ कीजिएगा, और जितना फाइनली चॉप रहेगा उसमें अच्छे से गल जाएगा, पक जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा उभर के। सो हमारा काफ़ी तक सब सब्ज़ी सॉटे हो गए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए, तो इसमें मसाले डाल दिए मैंने, जो था लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और नमक। बहुत ज़्यादा मसाला इसमें है ही नहीं, इसमें मेन कमाल तो पाव भाजी मसाला का है, तो जो वो आप डालने वाले हैं। पाव भाजी मसाला से टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। अगर आप होममेड यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कीजिए, अगर आपके पास रेडीमेड जो भी कंपनी का प्रेफर करते हैं वो यूज़ कीजिए। सो इसके स्मेल अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। सो अब इसका एक स्टेप देखिए, जो सब्ज़ी जो थी मैंने उबाली थी पानी के साथ, उसी में रह दिया, उसको किसी से मैश कर लीजिए, जो मैं आपके पास मैशर हो या दल घुटनी होती, किसी से भी उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देना। देखिए गल टूट नहीं गई अच्छी से, आसानी से, देखिए ऐसे हो गया। बाकी भूनते भूनते भी हम उसको और छोटा कर देंगे। सो हमारे यहाँ मसाला रेडी हो गया, तो पूरा भुना गया, तो इसमें मैंने जो सब्ज़ी थी वो अपनी ग्रेवी में डाल दिया, और ये पूरी सब्ज़ी में ग्रेवी का जो टेस्ट है घुस जाएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी डिश है और बहुत टेस्टी, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है, बनाना ही बहुत आसान है। सो अगर आप अपने वाइफ को भी सरप्राइज़ करना चाहें, वाइफ को बना के खिलाइए, बहुत ईजी है, कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है। सो देखिए गाइस, हमारी सारी सब्ज़ी मसाले में इनकॉर्पोरेट हो गई है, अभी हल्का सा थिन लग रहा है क्योंकि मैंने उसका जो स्टॉकिंग था, पानी था, फेंका नहीं, मैंने उसके साथ उसमें डाल दिया, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, तो मैंने उसको फेंकना प्रेफर नहीं किया, और आप भी मत फेंकिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। सो देखिए, हमारी काफ़ी थिक गाढ़ी ग्रेवी हो गई, और साथ में मैं थोड़ा थोड़ा मैश भी करते रह रही हूँ कुछ कुछ देर पर, ताकि एकदम फाइन भाजी मिले हमें, और थोड़ा बहुत पता चलता तो क्या अच्छा टेस्ट लगता है, अभी पता चले भाई कौन सी सब्ज़ी खा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसमें, आप अपने हिसाब से कितना पतला गाढ़ा खाते हैं उस हिसाब से रखिएगा। सो मैंने पतला का थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पतला नहीं किया, थोड़ा सा, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसमें मैंने 1 टीस्पून बटर डाल दिया, अच्छा अरोमा और अच्छा टेस्ट के लिए आखिरी में, भाई बटर तो बहुत इन्हांस करता है फ्लेवर। एंड देन फिर धनिया पत्ती गार्निश के लिए। ना इसको लिड ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे, तब तक हमारा ही भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। सो दूसरी तरफ मैंने नॉनस्टिक पैन चढ़ाया, इस पर हमें तवा पे अपना पाव सेकना है। पाव को बीच से स्लिट कीजिएगा और पूरा अलग मत कीजिएगा, मतलब दोनों जुड़े रहें, और उसको दोनों तरफ से रोस्ट करके जब हल्का हल्का कलर आ जाए तो हल्का सा बटर अप्लाई कर दीजिए। बटर में टेस्ट वाह भाई वाह, क्या क्या नहीं, बहुत अच्छा लगता है,
देख के ही मुँह में पानी आने लगा है, और गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आता है इसका। ठंडियों में इन सब का मज़ा उठाइए, क्योंकि ठंडियों में बहुत सारी सब्ज़ियाँ अवेलेबल रहती हैं मार्केट में, फ्रेश रहती हैं, तो उनका मज़ा ही कुछ और है। सो सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाए पाव भाजी, या शाम के इवनिंग स्नैक्स में मज़ा आ जाए भाई। सो देखिए मैंने अच्छे से पाव अपना सेक लिया है। पाव मार्केट में रेडली अवेलेबल है, आपको मिल जाते हैं, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं। 25 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का पैकेट मिलता है, उसमें 6 बन रहते हैं। सो वॉट एवर यू लाइक आप ले सकते हैं। मुंबई में यूजली लोग अपने घर में पाव ला के रखते हैं, पाव को बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं। सो गाइज, ये मुंबई स्टाइल की पाव भाजी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ अपने नियर एंड डियर वन से ज़रूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और इसको जब सर्व करना है हॉट खाइए, और सर्व करने के लिए बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्च और नींबू, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।